ये प्रेशर वाला मैच है, मैं तो समझता हूँ ये वर्ल्ड कप का फाइनल ही है, और जो प्रेशर नहीं लेगा मैं समझता हूँ वो इस मैच में कामयाब होगा। अभी तक जो मैंने देखा कि पाकिस्तान दो मैच खेला है, दो मैच इंडिया खेला, दोनों के चार चार पॉइंट है, लेकिन उनका थोड़ा सा रन रेट हमसे बेहतर है, और अगर हम तवाजना करें दोनों टीमों का तो मुझे लगता है परफॉर्मेंस वाइज देखते हुए और बॉलिंग अटैक जो उनका है वो मुझे लगता है उनसे थोड़ा सा बेहतर है। उनके पास तीन क्लासिक यू नो स्पिनर्स हैं, अश्विन ऑफ स्पिनर है, जडेजा वो लेफ्ट आर्मर है, और कुलदीप जो उनका है गुगली बॉलर चाइना मैन, तो ये हमें तंग कर सकते हैं। अभी तक हमारे कप्तान की परफॉर्मेंस बैटिंग वाइज तो इतनी अच्छी नहीं रही, आई होप के इस मैच में वो उसकी परफॉर्मेंस अगर वो माशाल्लाह 100 कर जाता है और साथ हमारा जो दूसरा ओपनर जिसने 100 किया वो कर जाता है, तो हमें अगर हम बैटिंग पहले करते तो हमें हर हालत में 300 प्लस करना पड़ा। 300 प्लस का मतलब ये नहीं है कि 320 330 ज़्यादा करना पड़ेगा कि इंडियन की बैटिंग को देखते हुए जिस तरह वो बैटिंग कर रहे हैं, और पिचेस भी हमने देखी हैं कि बेहतर हैं, बल्ले में गेंद आता है, और जब आप रन चेस करते हैं तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है मेरे लिहाज से, कि शाम के वक्त थोड़ा सा ड्यू फैक्टर होता है और गेंद भी थोड़ा सा स्किट करता बल्ले में आता है। अगर हम पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो हमें इतना स्कोर करना पड़ेगा मैच जीतने के लिए। कप्तान जी, टॉस का कितना करदार होगा, क्योंकि अभी तक जिस टीम ने टॉस भी जीता है और उसने बड़ी समझदारी के साथ अपने फैसला किया है बैटिंग और बॉलिंग का। अब ये तो है कि विकेट देखने के बाद भी आपको ये फैसला करना पड़ेगा उस विकेट की ट्रेंड क्या है, ये तो जो उनकी मैनेजमेंट है वो उस पर बातचीत स्पेशली ये टीम मीटिंग में करेंगे कि हमें करना क्या है, लेकिन ये कलेक्टिव एफर्ट होता है, ये एक बंदे का एफर्ट नहीं होता, तो इस मैच में आई होप कि दे टेक अ राइट डिसीजन। अब तक जो 11 मैच हुए और 12 सेंचुरियां बनी हैं इस टूर्नामेंट में, आप देखते हैं कि ये बल्लेबाजों का टूर्नामेंट होगा? है, इस वक्त तो ये होना चाहिए, होना भी चाहिए। मैं समझता हूँ कि चार साल के बाद आपका ये ODI का वर्ल्ड कप आता है और पब्लिक देखना चाहती है कि लंबा स्कोर और फिर वो चेस हो, तो अगर आप विकटें इस तरह की बनाएंगे तो फिर वो पब्लिक भी ज्वाइन नहीं करती, तो फिर बहुत से मसले मसाइल आपके खड़े हो जाते हैं। भारतीय टीम के शामिल खिलाड़ी जो हैं वो तो उनका तजर्बा पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, तो पाकिस्तान क्या अंडर प्रेशर होगा? प्रेशर तो नेचुरली होगा, कई हमारे जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं वो पहली दफ़ा हिंदुस्तान गए हैं, तो क्योंकि मैं समझता हूँ ये एक तरह का वर्ल्ड कप का फाइनल ही है, और एक तो होम ग्राउंड पे वो खेल रहे हैं और उसके बाद क्राउड जो होगा वो मैं बहुत ही मुझे लगता है कि वो शोर वगुल बहुत होगा, और अगर हम इसको अपने दिमागों से निकाल दें, प्रेशर ना लें और अपने आप को काम एंड क्वाइट रखें और सिर्फ अपनी खेल के ऊपर तवज्जो दें, तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान का मैच जीते। लेकिन मुझे लगता है अगर मैं दोनों टीमों को एनालाइज करूं, उनकी टीम मुझे पाकिस्तान टीम से बेहतर लगती है। दगा भाई, क्या देखते हैं, क्यों अभी अगर पाकिस्तान भारत से खुदा ना खास्ता हार जाता है आगे टूर्नामेंट के, अभी 6 मैच पाकिस्तान ने खेलने, आप क्या सेमीफाइनल में फाइनल 4 में देखते हैं पाकिस्तान टीम? इंशाल्लाह, लेकिन अभी तो 2 मैच तो आपने जीते हैं, आपको तो इसके साथ आपका जो रन रेट है उसको भी आपने ऊपर करना, अभी तक देखने की 4 टीमें जिनके 4-4 पॉइंट हैं, हम चार में चौथे नंबर पे हैं रेट वाइज, तो ये भी हमको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हमने जो रन रेट है उसको भी हमने ऊपर करना है। कप्तान बाबर आजम के मतलब क्या कहेंगे? देखिए, आई विश हिम ऑल द लक, क्योंकि नेचुरली ही विल बी अंडर लॉट ऑफ प्रेशर मुझे लगता है, और नो डाउट कि माशाल्लाह इज अ वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, और कल का वक्त जो है वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अगर वो 100 रन की इनिंग खेलता तो पाकिस्तान के लिए बड़ा बेहतर होगा। शादाब और नवाज पाकिस्तान के पास 2 स्पिन बॉलर हैं, आपने देखा कि बेंच पे उसामा बैठा है, क्या तब्दीली की ज़रूरत है? अब ये इतनी दूर बैठ के इसका अंदाज़ा लगाना, दरअसल इंडियंस जो है वो स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं, उसामाबार बैठा जो कि लेग स्पिनर है, यानी कि ये एक लेग स्पिनर ऐसा है कि अटैकिंग बॉलर है, अगर आपके पास कोई ऑफ स्पिनर भी नहीं है और लेफ्ट क्या कहते हैं लेग स्पिनर है, तो मैं तरजीह दूंगा लेग स्पिनर को खिलाने की। आखिर में आप बताएंगे कि पाकिस्तान कहाँ पर रेट करते हैं, फाइनल खेलेगी? पहले तो हमें कोशिश होनी है कि पहले जो आखिर की 4 हारते
जो चार सेमीफाइनल आएंगी उसमें आना जरूरी, फिर बाद में हम सोचेंगे फाइनल का। थैंक यू।